हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपना संडे और आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, राइट? आज का जो सेशन होगा बहुत अमेजिंग होगा. बहुत अमेजिंग चीज लेकर आए हैं हम लोग. आज डिस्कस करेंगे PYQ 2020, राइट? सो आर यू रेडी गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन? क्योंकि ये जो पेपर होगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. और इस अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो एक बहुत आसानी हो जाती है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में और समझने में कि आने वाले टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर योर नीट एग्जाम. तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास OMR शीट होगी तो बेस्ट होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए. इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको क्लियरली अभी बता देती हूँ कि मैं क्यों OMR शीट पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार बोल रही हूँ. क्योंकि होता क्या है कि OMR शीट एक जैसी इवन शीट होती है पूरी, है ना? और कई बार क्या गलती कर देते हैं हम कि मान लीजिए ये सीरीज से क्वेश्चंस है, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता और हमने उसको छोड़ दिया, इस वजह से क्या होता है, कई बार एक्सीडेंटली हम नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऊपर वाले में फिल कर देते हैं और लाइन से हमारे सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, राइट? तो थोड़ी थोड़ी OMR शीट पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए तो क्विकली आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं. जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इनहिबिटरी सब्सटेंसेस इन डॉर्मेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड टू डैश. यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि सीड डॉर्मेंसी को हटाने के लिए हम किन किन केमिकल्स का यूज कर सकते हैं. राइट फ्रॉम NCERT कुछ भी अलग से डिफिकल्ट डिफरेंट नहीं पूछा गया है. ऑप्शंस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाइट्रेट, एस्कर्बिक एसिड, चिलिंग कंडीशंस एंड गिबरलिक एसिड. नाउ राइट अवे आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज बाकी सारे जो एजेंट्स हैं ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के काम आते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स. एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो उसको मार्क कर लीजिए, सबसे बड़ा हिंट दिया है. एरोबिक कंडीशंस के अंदर पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या काम करेगा, है ना? और इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पहले तो याद कर लीजिए कि ये जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज है कहाँ यूज होता है. ये यूज होता है पाइरूवेट को जब हम एसिटाइल को एंजाइम में चेंज करते हैं तब, राइट? एक सिंगल पाइरूवेट विल बी कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल को एंजाइम. इस चीज के लिए हमें चाहिए होते हैं, यस, वेरी वेरी गुड, मैग्नीशियम. वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अगेन NCERT में से सीधा सीधा लाइन का एज इट इज दिया हुआ है, फाइन. चलिए तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग विथ वेन्स ऑफ ग्रास लीव्स आर. ग्रास लीव्स के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. नाउ क्विकली सोर्स लीजिए, ये मोनोकॉट है या डाइकॉट, फाइन. मोनोकॉट और डाइकॉट, यही इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है. देखिए मोनोकॉट या डाइकॉट किस टाइप का प्लांट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, इसको सोचिए. मीनवाइल हम बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन आर ए गार्ड सेल्स, बी बंडल शीट सेल्स, सी बुलीफॉर्म सेल्स एंड डी लेंटिकल्स. सबसे बड़ा हिंट कलरलेस सेल्स, उससे भी बड़ा जो हिंट दिया है वो है एडेक्सियल सरफेस, उससे भी बड़ा हिंट दिया है ग्रास लीव्स, राइट? सो करेक्ट आंसर इज येस, ऑफ कोर्स बुलीफॉर्म सेल्स. इनको हम मोटर सेल्स भी कहते हैं. मोटर सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर. देखिए अब डायरेक्ट यहां से, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही मॉर्फोलॉजी और एनाटमी दोनों फिनिश किए, राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स के. यहाँ पर हमने बहुत क्लियरली डायग्राम्स देखे थे. अब इन्होंने डायरेक्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इट इज एज गुड एज दैट क्वेश्चन इज वेल, राइट? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कौन कौन से एडजेसेंट चीजें उन्होंने दी हुई है. एडेक्सियल सरफेस बहुत क्लियरली मेंशन है, कलरलेस सेल्स बहुत प्रॉपरली मेंशन है, एम्प्टी सेल्स बहुत प्रॉपरली मेंशन है. तो ये चीज आपको सही आंसर की तरफ अपने आप ले जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर. इंक्लूजन बॉडीज, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इंक्लूजन बॉडीज कहाँ होती हैं? यस, वैक्यूल्स के पास. लेकिन कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल या गैस? ऑफ कोर्स गैस वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा. बैक्टीरियाज की बात हो रही है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की बात हो रही है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सम प्लांट्स थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन. सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज. थैलेमस के अंदर contributes to fruit formation. Such fruits are termed as, options are aggregated fruits, true fruits, parthenocarpy fruits and false fruit.
देखिए एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे क्विकली मेंशन करती हूँ कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट रीजन कहाँ से आएगा, ओवरी एंड ओव्यूल्स विल फॉर्म सीड्स, राइट। ये बेसिक चीज है ना, ये यहां से निकलेगा ओवरी से। लेकिन जब ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इस प्रोसेस में इंक्लूड हो जाता है, तो उन फ्रूट्स को हम लोग ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहां पर जितने भी आपके जो ओवरी से बनेंगे, सिर्फ ओवरी से बनेंगे, वो होंगे ट्रू फ्रूट्स। जब ओवरी प्लस थैलेमस होगा तो उनको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, ग्वावा। लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वावा, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स। सिर्फ ओवरी से अगर बनेगा तो ट्रू फ्रूट, अगर थैलेमस के साथ बनेगा तो फॉल्स फ्रूट। तो जब हम और पार्थिनोकार्प, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, पार्थिनोकार्प अगर ये फॉल्स फ्रूट है तो पार्थिनोकार्प क्या है? सो पार्थिनोकार्प आर विदाउट फर्टिलाइजेशन, दीज आर विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर इज फॉल्स फ्रूट, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड अमंग पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन आर वेहिक्यूलर एग्जॉस्ट, एलर्जी कॉजिंग पोलन, नॉइज, पर्टिकुलेट्स ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और बिलो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, जो एयर पॉल्यूशन एक्ट था वो आया था 1981 में। 1987 में एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ यहां पर नॉइस पॉल्यूटेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था फॉर ओवरऑल पॉपुलेशन, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉइस। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और आप देखेंगे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली एज इट इज लाइन उठा के पूछी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, ओके। चलिए, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। पहले तो आदत डाल लीजिए, ये एक्सेप्ट है, नॉट नॉट करेक्ट, करेक्ट ये सारे वर्ड्स को मार्क करने के लिए। ऑप्शंस आर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट्स, यस, दीज टू आर एक्चुअली गोइंग टू एड इन व्हाट, डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत आंसर, फाइन, दिस इज ट्रू अबाउट डीकम्पोजिशन, तो ये हो गया गलत आंसर। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स, ये भी हेल्प करते हैं डीकम्पोजिशन में। देन डिटेरियस रीजन, लिग्निन एंड चिटिन, लिग्निन एंड चिटिन एक्चुअली सेल वॉल कॉम्पोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। जैसे लिग्निन मिलता है स्क्लेरेनकाइमा में, ये है प्लांट का टिश्यू, चिटिन मिलता है फंगस के सेल वॉल में, है ना। चलिए, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज डिटेरियस रिच इन शुगर, ऑफकोर्स डीकम्पोजर्स वहां पर ही होंगे जहां पर शुगर, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें उनको मिलेंगी, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मार्क करिए फटाफट इनकरेक्ट। ऑप्शन आर इन सी फॉर प्लांट्स द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल्स, ऑप्शन नंबर बी द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स एटीपी एंड एनएडीपीएच, ऑप्शन नंबर डी रुबिस्को रिक्वायर्स बायफंक्शनल एंजाइम, इट इज अ बायफंक्शनल एंजाइम। तो बायफंक्शनल तो है ही, दो जगह पर काम करता है, कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा और क्या काम करेगा, ऑक्सीजनेशन का काम करेगा, राइट। फिर उसके बाद रिक्वायर्स एटीपी, ऑफ कोर्स एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है, 5 कार्बन कंपाउंड, यस, ऑल दीज आर ट्रू अबाउट इट। सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट C4 प्लांट्स साइट ऑफ रुबिस्को इज मीसोफिल सेल्स, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। Moving to the next question, which of the following is correct for floral formula for Liliaceae? Correct formula, ठीक है। आपको अगर याद हो Liliaceae में जो सबसे important चीज याद रखने वाली है वो ये कि इसके कौन कौन से examples है ना। और आप देखेंगे जो तीनों families दी हुई हैं in your NCERT, उसमें सिर्फ एक Liliaceae ही है जिसमें bracketed का बहुत clearly mention है। So this is going to be your biggest hint। अगर आपने तीनों पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि bracketed, यहीं से आपको direct आपका answer मिल जाएगा, है ना, कि bracketed जो है वो कहाँ पर है। लेकिन in this case हो सकता है आपके NEET के exam में जो question है उसमें सब जगह पर bracketed हो, right? So it is always safer to remember all the things about it, fine? Moving to the next question quickly.
आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट. स्टेटमेंट आ रही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आजकल इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इनको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. सबसे पहला है, इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप. मैंगो और कोकोनट, यस बोथ ऑफ देम आर ड्रूप. सो एक तो ये पक्का सही हो गया हमारा. नाउ लुक फॉर ऑल द ऑप्शंस व्हिच हैज गॉट फर्स्ट स्टेटमेंट एज द करेक्ट वन. तो सारे में ही ये फर्स्ट वाला अवेलेबल है. सेकेंड, एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ. नाउ एक्चुअली एंडोकार्प वो रीजन होगा जो बहुत ही ज्यादा स्टोनी हार्ड होता है. स्टोनी हार्ड, तो ये हो गया गलत, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे. थर्ड नंबर पे, मीसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इज फ्लैशी. जो मीसोकार्प वाला रीजन है, जो मीसोकार्प वाला रीजन है, यस इट इज फाइब्रस इन इन कोकोनट, क्योंकि इसका जो एंडोकार्प वाला रीजन होता है वो क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और मैंगो में ये चीज होती है फ्लैशी. नेक्स्ट, तो ये भी करेक्ट हो गया. नाउ लुक फॉर ऑल द ऑप्शंस व्हिच हैव वन एंड थ्री एज करेक्ट स्टेटमेंट. तो मुझे बी और ए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं. बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म. ऑप्शंस आर, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर लिविंग, फ्री लिविंग. ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल्स, देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, दे आर हेटरोस्पोरस. ऑफ कोर्स हेटरोस्पोरस है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, सो ये तो सही हो गया. उसके बाद सीड्स आर नॉट कवर्ड, यस जिम्नोस्पर्म का तो नाम ही क्या है, नेकेड सीड. जिम्नोस्पर्म का नाम ही इसीलिए पड़ा बिकॉज ऑफ द नेकेड सीड्स, तो ये भी सही हो गया. मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स, यस हमने देखे थे पाइन्स वगैरह में ये सारे कैसे होते हैं, ये वाले इनकी जो लीव्स होती है काफी नैरो लीव्स होती है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट एक्चुअली फ्री लिविंग. राइट, यहाँ पे लिखा है फ्री लिविंग होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया. फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड विद ओएच ग्रुप ऑफ. ऑप्शंस आर, थ्री कार्बन पेंटोज शुगर, फाइव कार्बन पेंटोज शुगर, वन कार्बन पेंटोज शुगर और टू कार्बन पेंटोज शुगर. मतलब कि पोजीशन पूछी गई है एग्जैक्टली. अगर आप ये पेंटोज शुगर का डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके का बनेगा. फाइव हो गए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार और पांच. तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा वाला जो होता है उसके ऊपर क्या अटैच होगा, OH ग्रुप. फाइन, तो पहले तो ये समझ लेते हैं. सबसे पहला आपका ध्यान जाएगा यहाँ पे, है ना, कि थ्री या फाइव में से कुछ हो सकता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे मार्क करके लिख लोगे कि थ्री पेंटोज शुगर जहां पर अटैच होगा फाइव से, वहां पर बनेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. ठीक है, OH ग्रुप वहां पर अटैच नहीं होगा. सो OH ग्रुप कहाँ अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर. फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी. ऑप्शंस आर, फिनाइल कीटो यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, ABO ब्लड ग्रुप, स्किन कलर. ये सारे चीजें, प्लियोट्रोपी क्या होता है सबसे पहले, तो प्लियोट्रोपी ये होता है कि एक ही जीन के अंदर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो. राइट, तो बाकी जितने भी हैं उसमें मल्टीपल एसोसिएटेड कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है. राइट, सो वी आर ओनली हैविंग दिस ऑप्शन, फिनाइल कीटो यूरिया, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. और जस्ट अ मिनट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और प्लियोट्रोपी जो है इसमें बहुत परफेक्टली शो होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर एक पॉइंट और लिखी लो, फिनाइल कीटो यूरिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो. क्या प्रॉब्लम होती है जो फिनाइल अलीन रहता है, फिनाइल अलीन, इट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस ईयर. कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पुराने पेपर्स में से रिपीट होते हैं. तो ये कुछ उनमें से जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो रिपीटेड ही आते हैं. फाइन, ड्यूरिंग मियोसिस वन इन विच स्टेट साइनाप्सिस टेक्स प्लेस. कितना बड़ा हिंट दे दिया, साइनाप्सिस के बारे में बोल दिया. साइनाप्सिस क्या है, सिनेप्टोनेमल जंक्शन. फाइन, कहां पर बनेगी. ऑप्शंस आर, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लिप्टोटीन एंड पैचिटीन. तो जाइगोटीन के टाइम पर सिनेप्टोनेमल जो जंक्शन है वो बनती है. फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड बढ़ रही है, क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी अब यही प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज आपको एग्जाम में टोटल कितने आवर्स मिल रहे हैं, थ्री आवर्स, और इस बार आपको
200 क्वेश्चंस, एक तरीके से यही मान के चलिए कि 200 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. ऑफ कोर्स आउट ऑफ दिस आपको 180 ही फाइनली जो फाइनल आंसर्स है वो 180 ही देने हैं, बट स्टिल यू हैव टू रीड अदर क्वेश्चंस एज वेल, राइट. जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो रीड तो करना पड़ेगा, तो टाइम तो उसमें कंज्यूम जरूर होगा, तो आपको अपनी स्पीड अब बढ़ानी पड़ेगी. साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये किसकी बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्म, है ना, माइकोप्लाज्म. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, राइट अवे 0.1. ये क्वेश्चन एज इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट. चलिए, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये अभी हमने कल परसों के सेशन में ही कवर किया है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. यस, राइट अवे द करेक्ट आंसर इज ट्राइकोडर्मा पॉलीसल्फोरम, बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज होंगे. फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर कॉलम ए में उन्होंने सेल के जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर उनके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है. सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या क्या है देख लो. ऑप्शन नंबर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आप देखोगे तो इट इज यूजफुल इन लिपिड सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद जो सेंट्रियोल और गोल्जी अपैरेटस, ये क्या क्या काम करते हैं बताइए क्विकली, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं आप लोग, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मैच कर लो कि अभी ये जो हमने दोनों चीजें मैच की हैं, ए का 2 ये रहा, बी का 1 ये रहा, राइट. सो राइट आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स यस द डी ऑप्शन. क्या होगा, सी का 3 स्पिंडल फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोसिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स with the phases of the cycle. यहाँ पर लिखा है G1 phase, cell growth and organelle duplication, S phase, DNA replication and chromosomal duplication, G2 phase, cytoplasmic growth and metaphase in M phase, alignment of chromosome. देखो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है यहाँ पर पहले तो ऐड करो A का 3, fine. तो यहाँ पर पहले A में देख लेते हैं कि क्या चीज सही हो सकती है हमारी. तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि जो G1 phase है it is actually for growth and organelle duplication, right. So look for all the options which have matched this. ye aapka time bachayega neet ke exam mein, fine. ye jo techniques hain ye aapka time bachayengi agar aapko aise options mil jate hain to, fine. yahan par to distinctly bahut different aapko dikh hi raha hai, aur agar aapko confusion ho to aap pehla ye wala aur ye ek bar zarur dekh le to thoda sa quick ho jayega process, fine. to last wala bhi dekh lete hain. last wala kya hai, metaphase is M phase. kya hai, alignment of chromosome. ye bhi sahi ho gaya, to hamare paas direct answer aa gaya option number C. Moving to the next question, again match the column. Dragonflies किस काम आती हैं? Bacillus thuringiensis किस काम आता है? Glomus baculovirus. इन सबके functions यहाँ पर लिखे हुए हैं. Dragonflies अगर आपको याद हो तो aphids वगैरह mosquitoes को remove करने के, eliminate करने के काम आती है. So option जो A है column में उसका match है with this. अब देखिए यहाँ पे जो चीज मैं अभी mention करने वाली थी पीछे के question में, यहाँ पर वो आपको देखने को मिल जाएगी. अब देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में श्योर हैं तो आप सबसे पहले डी को एलिमिनेट कर दो. अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बैसिलस का क्या काम है, बैसिलस क्या काम करेगा, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, कैटरपिलर्स फ्रॉम द प्लांट्स, इजंट इट. तो यहां पर आप देखोगे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, राइट. तो जो बी है उसके साथ क्या मैच कर दिया, 1. अब देखो यहां पर जितने भी ऑप्शंस गिवन है, जितने भी ऑप्शंस गिवन है उसमें ये 2 अभी तक करेक्ट चल रहे हैं. फिर सी में क्या है, ग्लोमस जो कि अटैच है विद 3 नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेंट, राइट. अब देखो यहाँ पर और भी चीजें लिखी हैं, बैक्यूलोवायरस विच कैन एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर लिपिडोप्टेरन्स प्लांट पेस्ट, राइट. तो ये दोनों भी साथ में सही सही हो गए, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ऐसे क्रॉस चेक कर करके मैच द कॉलम में जल्दी जल्दी आप टाइम बचा सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम, अबाउट द कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट. ऑप्शंस आर, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरिडर्म. ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेंटिकल्स. ऑप्शन सी कपल ऑफ लेयर्स थिक. ऑप्शन नंबर डी फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स on its outer side. So option number D अगर आप देखेंगे तो secondary जो cortex है वो actually inner side में बनती है, inner side में. और यहाँ पर क्या लिखा है, incorrect statement, you have to find out. So this is going to be the correct answer. Moving to the next question, what is the basis of genetic mapping
ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अगर हम जेनेटिक मैपिंग कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स डीएनए से ही लेना देना है. यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर सकते हो. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, है ना. तो ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देख के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं. एक अगर आपको याद हो, ऐसा छोटा सा एक चार्ट है जिसमें अलग अलग टाइप, अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ 1, 2, 3 यहाँ क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, इस तरीके से, इस तरीके से क्रोमोसोम्स को बनाया हुआ है ना. दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंट. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगेन मार्क कर लो इसको क्विकली. मूवमेंट ऑफ मिनरल इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. यस, दिस इज ट्रू. अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. देखिए, अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज मतलब मुझे सुक्रोज को सेंड करना है, किसी को देना है, तो ये कह रहे हैं कि डज नॉट इन्वॉल्व एटीपी. थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. दूसरे पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर आते हैं इसके ऊपर. ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स मोस्ट इजीली मोबिलाइज्ड इन प्लांट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर फॉस्फरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. येस, दिस ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट. देन ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लोएम कैन बी बाई डायरेक्शनल. या बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम, है ना. अब ये बात करते हैं इसके बारे में. देखो, सिंपल सी बात, इसको इस तरीके से याद रखना कि जब भी वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. जब यहाँ पर सुक्रोज की बात करेंगे तो हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप कभी भी नहीं भूलोगे और इसकी मल्टीपल जगह पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी. सिंपल सी बात है, अगर आपके सिबलिंग ने आपसे पानी का ग्लास मांगा, ऑफकोर्स आप थोड़ी देर लड़ाई करेंगे, थोड़ी देर एक दूसरे को, है ना, हम लोग डांटते हैं एक दूसरे को कि तूने मेरे को पिछली बार पानी नहीं दिया था, लाइक दैट. फाइन, तो हम वाटर जो है स्टिल विदाउट यू कैन से एक्सपेंडिचर ऑफ मच एनर्जी हम पानी दे देंगे. नेक्स्ट बात आती है सुक्रोज की. जस्ट इमेजिन, ये चॉकलेट है. अब ये चॉकलेट इतनी आसानी से दे दोगे क्या? नहीं ना. देर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल फाइट एटलीस्ट. मेरे केस में तो मैं और मेरे भाई, हम लोग अभी भी चॉकलेट्स के लिए लड़ते हैं, राइट. तो सुक्रोज मान लो चॉकलेट है और वाटर है. अगर तुम्हें इसमें से ऑप्शन मिले कि तुम्हें चॉकलेट देनी है या वाटर, तो ऑफकोर्स वाटर दे दोगे कि बिना एनर्जी हमको थोड़ा सा भी, एक भी मॉलिक्यूल हमको एटीपी का यूज नहीं करना, पानी ले जा, चॉकलेट हमारे लिए छोड़ दे. तो हमेशा जब भी ये वाले कॉम्पोनेंट्स होंगे, हमेशा एटीपी रिक्वायर्ड होगी. तो यहाँ पे लिखा है नो एटीपी, बट एक्चुअली डज इन्वॉल्व एटीपी. सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत सारी जगह पर काम आने वाला है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, वॉट साइज इन डायमीटर ऑफ पार्टिकुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन हैं, ये भी एज इट इज लाइन है फ्रॉम एनसीईआरटी, आप डायरेक्टली 2.5 माइक्रोमीटर्स को टिक कर सकते हो. एज इट इज लाइन है फ्रॉम एनसीईआरटी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फरस साइकिल. Options are phosphorus solubilizing bacteria facilitates the release of phosphorus from organic remains. There is appreciable respiratory release of phosphorus into atmosphere. Option number C, it is a sedimentary cycle. Option number D, phosphates are major form of phosphorus reservoir. ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है. अगर मैं कोई चीज सेडिमेंट कर रही हूँ, सेडिमेंट्री साइकिल, यहीं से आपको पूरी हिंट मिल जाएगी. सेडिमेंटेशन का मतलब है कि किसी चीज पे लेयर बाय लेयर इसका जमा होना. That means, अगर मैं इसको करेक्ट बोल रही हूँ तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर फॉस्फोरस रिलीज हो गया तो सेडिमेंटेशन फिर किस बात का, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन. येस, अभी लग रहा होगा कि इतने सारे मैच द कॉलम, बट आप पेपर जब निकाल के देखेंगे, ऑफकोर्स ये तो वहीं से आया हुआ है. तो मैच द कॉलम वैसे भी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा आते हैं, बिकॉज दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, है ना. तो ऑफकोर्स अगर कोई चीज टाइम कंज्यूमिंग है, तो isn't it easier for them to just eliminate those who cannot manage their time, है ना. तो हमें उस कैटेगरी में नहीं फॉल करना है. और मैंने आपको easiest way around बता दिया कि कितनी जल्दी जल्दी आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो. फाइन, चलिए फटाफट ले लेते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे easiest से. चलो, शीप और कैटल. शीप और कैटल के पास एक ही चीज है खाना खाने के लिए, है ना. दोनों एक जैसे हैं, हर्बीवोर्स. तो क्या ये एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है? येस, ऑफकोर्स. तो सी और फोर कहां पर मैच है वो देख लो फटाफट से. सी एंड फोर, फाइन. ना इसके बाद बात करोगे अगर माइकोराइजा के बारे में. माइकोराइजा मतलब फंगस और रूट्स, इसके बारे में तो जानते हो, है ना.
तो ये आपस में क्या करते हैं, ये म्यूचुअली साथ में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, है ना, कि मतलब रूट को भी इससे फायदा है और फंगस को तो फायदा है ही। अब ढूंढ लो फटाफट बी और टू कहां पर मैच है। सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर राइट अवे। अगर आपको याद नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं पता, सेकंड नहीं पता, थ्री और फोर देख लो, टू और थ्री देख लो, है ना, पर आपको विद इन लाइक टू स्टेप प्रोसेस, आपने देख लिया टू स्टेप प्रोसेस में आपको आंसर आपका मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर एट PS2 व्हाट इज द सोर्स Which replaces electron? इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। कई बार साइज देख के क्वेश्चन का हम डर जाते हैं कि बाप रे पता नहीं क्या पूछ लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि PS2 साइकिल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। रिप्लेसमेंट में ऑलवेज वॉटर आएगा, अगेन डायरेक्टली एज इट इज लाइन फ्रॉम योर NCERT। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छा ये भी मेंशन कर लो कौन सा मॉलिक्यूल रहता है, P680 क्लोरोफिल, ये वाले मॉलिक्यूल में चल रहा है ये सारा सब, है ना। चलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप देखेंगे पैटर्न जो एग्जाम का है वो इस तरीके का है कि ये जो इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम है, जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, है ना, वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या होगा अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो हमें क्या करना है, टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है। उसकी क्या टेक्निक है, सिंपल सी बात है कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने साइड से कि इनको सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हो। अभी OMR शीट पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना, जैसे हम लोग ये सेशंस ले रहे हैं साथ में, आप इसके MCQs लगाना स्टार्ट कर दो, है ना, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल तक एनर्जी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, और अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये वाला पार्ट पढ़ा है, तो अगर आपको याद होगा कि ट्रॉपिक लेवल में एक्चुअली नीचे से सबसे बेस से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो कि हमारे प्लांट्स होंगे, वहां से ऊपर जाते जाते तक एनर्जी एक्चुअली रिड्यूस होती है, है ना। तो राइट अवे आंसर मेरे पास है ऑलरेडी, बट दूसरे ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, विच इज कम्प्लीटली ट्रू, राइट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत हो गया। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यस ये सही है, तो अगर ये सही है तो ये गलत है ना, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। ऑप्शंस आर एल्गी, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है और आपने वहां पर देखा था सारे के सारे जो हम लोगों ने जो जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज पढ़ी थी, है ना, इंपॉर्टेंट फैमिलीज पढ़ी थी, सारे के सारे कैसे थे, एक तो बायसेक्सुअल थे, है ना, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं। ऑल्सो यहाँ पर देख लो सिंपल सा लिखा ही हुआ, फ्री लिविंग नहीं है, आपस में अटैच है, ऑल्सो दे आर अटैच टू द बेस, है ना, अलग अलग जगह पर, कहीं पर कोरोला से अटैच था, कहीं थैलेमस से अटैच है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। कहने का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ईच सेट ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर प्रोवाइडेड। अब आपको ये देखना है करेक्ट मैच कौन सा है, करेक्ट मैच कौन सा है। ऑप्शंस आर इन सिटू कन्वर्सेशन कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, बी एक्सीटू कंजर्वेशन सेक्रेट ग्रूव्स, ऑप्शन सी इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक, ऑप्शन नंबर डी एक्सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन। अब देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो एक्चुअली इन सिटू का पार्ट है ना। इसके अंदर क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको याद आ रही हैं, इन सीटू के अंदर क्या होगा, इंटरनल, अंदर की तरफ हम इनको रख के रखें, ठीक है, अंदर की तरफ रख के रख रहे हैं। तो इन सीटू के अंदर इन सीटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व एंड एक्सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें लेकर रख लेते हैं, फाइन। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक साइकिल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, सबसे पहला क्या आता है, G1 फेज, फिर आता है थोड़ा सा जहां पे सिंथेसिस होगा, देन G2 फेज एंड M फेज, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ऑप्शंस आर जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीशियम। तो यहां पर क्या होता है, जो मैग्नीशियम है वो यूज होगा इन दोनों बॉडीज को मिला के रखने का
प्रयास करेगा राइबोसोम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईकोलाई हैज गॉट 4.6 इनटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स. देन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली, ये भी एज इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा जा चुका है. 2000 बेस पेयर्स ये एक बार में बना देगा पर सेकेंड. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइको एरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट. एरिथ्रिन, एरिथ्रोसाइट से इसको आप कंपेयर कर सकते हो. रेड कलर, रेड कलर किसके लिए एसोसिएटेड है? रेड एल्गी. ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय. क्रोमोसोमल थ्योरी बहुत फेमस नाम है सटन एंड बोवरी, राइट. बाकी सारे आप देख लो डिफरेंट डिफरेंट है. ये पुनेट स्क्वायर टीएच मॉर्गन ने अलग अलग लिंकेज वगैरह के बारे में बताया था. वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीशीज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम ट्रबल सम वीड इन इंडिया. ऑप्शन नंबर ए पार्थीनियम हिस्ट्रोफस. ये देखो ये रहा सबसे पहला तुम्हारा आंसर. वॉटर हाइसिंथ इज ऑल्सो नोन एज इकाइरोनिया कैस्पिसिस. फाइन वॉटर हाइसिंथ. सो करेक्ट आंसर इज द स्टेरर ऑफ बंगाल भी इसको बोलते हैं टीओबी. फाइन चल नेक्स्ट क्वेश्चन. अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट. ये देखो इतना बड़ा हिंट दे दिया, इतना बड़ा हिंट दे दिया. काइनेटोकोर्स कहां होगा? ऑफकोर्स मेटाफेज के अंदर. इतना बड़ा हिंट सामने के सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ग्लाइसिन मैट्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल ऑफ अदर पार्ट्स और टू अदर पार्ट्स एज ऑप्शंस आर ग्लूटामेट नाइट्रेट यूरियाइड्स एंड अमोनिया. ये भी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है. यूरियाइड्स के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा हमेशा. ठीक है इसको टिक कर लीजिए. अगेन ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन द नीट एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्म न्यूक्लीन was genetic for the genetic material was used by options are Michener, Chargaff, Mendel, Franklin. Again यहाँ पर भी same चीज. आपको ये scientists वगैरह के नाम तो याद करके रखने पड़ेंगे specially from two chapters. एक तो genetics, इसके बाद ecology में भी बहुत लोगों के नाम mention है ना. यहाँ से आपको ये scientists के नाम पढ़ना बहुत required. ठीक है next question. Match the following. Again fruit ripener, herbicide, bolting agent, stress hormone. अब देखो अभी हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा था कि जो फ्रूट है ना वो राइपन कैसे, अगर डॉर्मेंसी फेज में है ऑलरेडी, अगर डॉर्मेंसी के फेज में है ऑलरेडी तो कैसे ये चलेगा. फाइन तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो. फ्रूट रिपनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? एसबिस्क एसिड, राइट. तो यहाँ पर ये राइट अवे ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे. यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1, 2, 3 and 4. कोई बात नहीं है ना, आपका जो बेसिक है वो क्लियर है ना, रहना चाहिए. फाइन हर्बिसाइड्स कौन कौन से हैं? हर्बिसाइड कौन से होते हैं? GA3. ये भी एज इट इज सेम एनसीईआरटी में सारी चीजें एज इट इज दी हुई है. बोल्टिंग एजेंट कौन है? बोल्टिंग एजेंट है 2,4-D एंड स्ट्रेस हार्मोन एथिफोन. फाइन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. यू कैन सी हियर A4 बी तक जाओगे तो ये करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा B3. फाइन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्होंने क्या थ्योरी दी थी एग्जैक्टली किस बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था? तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज एरिया बट ओनली अप टू अर लिमिट. ऑप्शन नंबर बी देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड. ऑप्शन नंबर सी ये वाले देखो अभी हमने पीछे ही इस बारे में बात की है ना. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहाँ पर है इकोलॉजी में? तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में. Species richness goes on increasing with increasing area of exploration. Option number D, species richness decreases with increased area of exploration. तो इन्होंने दिया था ये statement option number A. Moving to the next question. Impact of immigration on population density. Immigration का मतलब है बाहर जाने वाले. अगर ये क्या होगा, बाहर जाते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, इजंट इट. ये क्या होगी? डिक्रीज होगी. लेकिन जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो उस केस में जब इमिग्रेशन होती है तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर. आप उसको पूरा पूरे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. ऑफ कोर्स बहुत जल्दी हम ये चैप्टर्स भी डिस्कस करने वाले हैं. फाइन तो इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. ऑप्शन ए मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी. ऑप्शन बी
फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ऑप्शन नंबर सी पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ऑप्शन नंबर डी वेल एक्सपोज स्टेमेन एंड स्टिग्मा. देखिए इनकरेक्ट के बारे में पूछा है ना. अब इमेजिन करो यहां पर फ्लावर्स अगर छोटे हैं, है ना, यहाँ पर विंड पॉलिनेशन के बारे में बात चल रही है. विंड पॉलिनेशन मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है विंड के ऊपर. अब इमेजिन करो अगर पोलन ग्रेन्स लाइट है और नॉन स्टिकी है तो क्या होगा, काम ही नहीं बनेगा. ये जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है इनके जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको ज्यादा स्टिकी होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो विंड के करंट से अपनी जगह पर जा सकते हैं, किसी स्टिग्मा की तरफ जा सकते हैं, तो वो स्टिग्मा के ऊपर से उड़ भी सकते हैं अगर नॉन स्टिकी हुए तो. फाइन, सो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए दे लैक हेटरोसिस्ट. यहीं पे तुम्हें आंसर मिल गया. साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम याद कर लो, कुछ इस तरीके का था. बीच में एक हेटरोसिस्ट है विच इज अ मेजर साइट ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन. ऑप्शंस आर गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोबॉडीज, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलाइज एंड ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम. सो राइबोसोमल आरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज्ड. सिट्रिक एसिड की बात की है. ऑप्शंस क्या क्या है, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, क्लॉस्ट्रिडियम, एस्परजिलस नाइगर. सो अभी दो दिन पहले हमने ये सेशन में बात की थी, है ना. ये क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन है आपकी नीट के एग्जाम में. एस्परजिलस नाइगर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन. ये सेल वाले चैप्टर में इसे राइट अवे आपको मिल जाएगा. इसका आंसर है मिलर, राइट. ये देखिए इन चैप्टर्स पे से सेल वाले चैप्टर में भी ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी पीपल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको उनका सबका नाम याद रखना जरूरी है. नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल, ये तो इतना इजी क्वेश्चन. कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यस 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड. बड़ा हिंट दे दिया, मस्टर्ड के प्लांट के अंदर कौन से वाले टाइप के या कौन से फॉर्म में फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. इज इट गोइंग टू बी सुपीरियर, इज इट गोइंग टू बी इनफीरियर, है ना. तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड अदर पार्ट्स अराइज बिलो द ओवरी. सो मस्टर्ड के अंदर एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एक इमेज बनी हुई है, फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, उसके नीचे दिया हुआ है. और अभी हमने डिस्कस भी किया था 2-3 दिन पहले कि इसकी जो मस्टर्ड वगैरह होंगे, इसकी ओवरीज जो होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, है ना, सुपीरियर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. सुपीरियर मतलब कि हाईएस्ट, ऊपर की तरफ होती हैं, एक्सपोज होती हैं लिटिल. फाइन, तो यहाँ पर इस चीज से कोई लेना देना नहीं है थैलेमस से. ऑप्शन नंबर बी, गायनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स कवर इट पार्शली. तो अभी हमने अभी बात की कि गायनोशियम जो है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होना चाहिए. गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus. Again, it is not basically true about these mustard part. Option number D, gynoecium occupies the highest position. Yes, the ovary is superior. Superior ovary present hoti hai inke andar, right? Mustard wale ke andar. Yaad hai isme brassica bhi likha tha. Yahan par ek aur example likh lo, China rose. Fine. In sab mein ye commonly paya jayega, option number D. Moving to the next question. Inbreeding depression कब आता है, जब बार बार कंटिन्यूसली क्लोज स्पीशीज को आपस में इंटरब्रीड किया जाता है, तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है. तो यहाँ पर देख लेते हैं, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल एंड इन्फीरियर फीमेल, ये दिस इज रॉन्ग. डिक्रीज द बॉडी मास ऑफ प्रोजेनी ड्यू टू कंटिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग. कंटिन्यूड क्लोज इन ब्रीडिंग करवाई अगर जाती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. इससे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि जो दो मेटिंग है, मेटिंग विथ कोई मान लीजिए एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक का या तो मेल है या फीमेल है, जिसको बार बार ये इनब्रीडिंग करने से डिप्रेशन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार उसकी मेटिंग करवा देंगे विथ सुपीरियर मेल और फीमेल. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Mixture of, in a mixture, DNA fragments are separated by.
डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक ही चीज यूज होती है, याद कीजिए, एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो मूव करने लगते हैं. यस, इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन. देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है. एंटीबायोटिक्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए सेंड करना है तो हमारे पास होना चाहिए कोई ऐसा साइन, है ना, कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जो कि हमारे वाले डीएनए को अलग रखे फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए. फाइन, तो इनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स. सिलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे लिखेंगे. इसके अलावा क्या क्या एंटीबायोटिक्स में क्या क्या यूज होता है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कोरमफेनिकोल, राइट, कोई सी भी चीज को, इस टाइप के एंटीबायोटिक्स यूज हो सकते हैं ताकि अगर मुझे क्या करना है, अपना डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करना है और यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियल डीएनए के साथ मेरा जो डीएनए है वो मिक्स हो चुका है और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास फ्यू ये वाले मेरे हैं जिसमें रेड कलर का मार्क है. इमेजिन दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, जब मुझे बाकियों को एलिमिनेट करना है तो मान लीजिए मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर ऐड किया है तो मैं यहाँ पर इस डिश के अंदर एम्पिसिलिन डाल दूंगी तो ये बाकी सारे जो है वो मर जाएंगे बिकॉज इनके पास रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं होगा. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग टाइफॉइड, मलेरिया, निमोनिया, फिलियारिसिस. ऑप्शन कॉलम बी में दिया है हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी, प्लास्मोडियम वाइवैक्स, साल्मोनेला टाइफी. अब मलेरिया का तो ऑलरेडी जानते हो प्लास्मोडियम ही होगा. ढूंढ लो फटाफट टू और सी कहां पर मैच है. ये देखो सी और टू कहां कहां पर मैच है. ये देखो सी का टू और ये, है ना, बाकी सारे एलिमिनेट कर दें जल्दी जल्दी. फाइन, दूसरा कौन सा है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा श्योर हो, निमोनिया, है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. अब देख लो थ्री और ए कहां पर मैच है. ये रहा तुम्हारा आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी. राइट, दिस इज हाउ यू सॉल्व मैच द कॉलम्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम इज मेंटेन्ड बाय. ऑप्शन आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलीज लूप एंड वैसारेक्टा. हाँ, अगर इसका आप डायग्राम देखें, सॉरी अगर आप इसका डायग्राम अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये लूप ऑफ हेनली और यहां पर ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कुछ इस तरीके से आपस में इंटरटैंगल्ड है, इजंट इट, कुछ इस तरीके से इंटरटैंगल्ड है. तो अगर मुझे हेनलीज लूप और इसके बीच में कोई भी चीज एक्सचेंज करनी हो, क्या लिखा है, इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम इज मेंटेन्ड ड्यू टू. अगर मुझे यहां से सब्सटेंस यहां अंदर, ये डबल इस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज एंटर करवानी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलीज लूप एंड वैसारेक्टा. ऑफकोर्स पहले तो ये पास पास होने चाहिए, बहुत बहुत दूर होंगे तो ऑफकोर्स एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर नहीं होगा, ऑस्मोलैरिटी पूरी तो मेंटेन ही काउंटर करंट मैकेनिज्म से होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर योर नीट एग्जाम. ऑप्शन नंबर थ्री, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ HCO3 एंड हाइड्रोजन आयंस इन PCT. अभी हम लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं तो इस चीज से ज्यादा लेना देना नहीं होगा. ऑप्शन नंबर फोर, हायर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इसका अमाउंट से यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज की, है ना, तो इसमें ब्लड प्रेशर का स्पीड हाई होना या इसका पीसीटी से कोई लेना देना नहीं होगा. ऑफकोर्स दो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दोनों हो और काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता रहे तो ऑस्मोलैरिटी अफेक्ट नहीं होगी. हम ऑस्मोलैरिटी में बात करेंगे NaCl की और वॉटर के एक्सचेंज के बारे में. फाइन, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एगैव. कितना इजी क्वेश्चन दिया है, राइट अवे बल्बिल्स इज द आंसर. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन. रेनिन का काम क्या है, प्रोटियोलाइटिक है ना, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी. जो लोग रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं, फुल लेंथ वीडियोस देखे हैं, वो जानते होंगे कि रेनिन का काम क्या है. ये क्या करेगा, जो दूध होता है ना, मिल्क कर्डलिंग एंजाइम है, मिल्क कर्डलिंग एंजाइम. ये पाया जाता है छोटे बच्चों के पेट में. क्यों, क्योंकि उनका जो मेजर फूड सोर्स है वो क्या है, मिल्क. और मिल्क अगर कर्डल होके अंदर रह जाएगा, कर्ड होके, कर्ड बन के, मतलब थिक होके अंदर रह जाएगा, तो जो बॉडी है उसको इनफ टाइम मिल जाएगा. छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड, है ना, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. अब देखिए सिंपल सिंपल है, वो लोग दूध एज इट इज इंजेस्ट करेंगे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम से वो डायरेक्टली बाहर एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास इनफ टाइम नहीं होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का,
isn't it? तो अगर ये मिल्क यहाँ पर इस तरीके से रह जाता है, सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, तो बॉडी के पास, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास इनफ टाइम होगा कि इसमें से न्यूट्रिशंस एक्सट्रैक्ट कर ले. फाइन, सो करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिक जूस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम. एक्वापोरिन, एस्पार्जिनिन, एस्कर्बिक एसिड, चिटिन. अब देखो, ये इनमें से आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है, लेट्स से जस्ट एक्वापोरिन्स के बारे में बात कर लो, है ना. एक्वापोरिन्स का क्या काम है? एक्वापोरिन्स का काम है कि ये क्या काम करेंगे, ये एक्चुअली पहले तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, है ना, एक्वापोरिन्स. उसके अलावा जितना भी इसमें प्लांट में रेगुलेशन होता है ना, ये सारे उसके एंजाइम्स है. और ये क्या क्या काम करेंगे, ये डिपेंड करेगा इनके स्ट्रक्चर के ऊपर. फाइन, नेक्स्ट इज, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ए का थ्री. अब देख लो, ए में ए और थ्री कहां पर अटैच है, सो ए में अटैच है और डी में. नेक्स्ट इज बी, एस्पार्जिनिन. ये कहां काम आता है, ये कहां काम आता है, ये अमाइड्स, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है दैट इज अमाइड. फाइन, स्ट्रक्चरली इट इज एन अमाइड. देन सी, यहां पे ये दोनों सेम हो गए, अभी भी हमको हमारा सही आंसर नहीं मिला है. इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा वो होगा कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड. सो सी का फोर एंड डी का ऑफ कोर्स टू. चिटिन इज पॉलीसेक्राइड. फाइन, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब देखिए, यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है. अगर हमने कुछ आधा पढ़ा है तो हम मैच द कॉलम बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबा समय चला जाता है और आने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते. फिर से एक और मैच द कॉलम, बायोरिएक्टर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एलिसा. बायोरिएक्टर का काम क्या है, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट्स बनाना. कैन यू सी दिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. तो देख लो, ए का टू और बी का वन कहां पर है, ए का टू बी का वन, ये दो जगह पर है, इनको सबको एलिमिनेट कर दो. पीसीआर टेक्निक में हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, लंबा करते हैं चेन को. सो सी का फोर. सो ये रहा हमारा आंसर, सी का फोर. ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये रहा सी का थ्री दिखा हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप. इसमें नंबर ऑफ सारे बहुत अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं प्लांट बॉडीज, इसमें से हमें ढूंढना है कि हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन से होंगे. ऑफ कोर्स हैप्लॉइड ज्यादातर कहां होंगे, गैमेट्स में. फाइन, ना यहां देख लेते हैं फटाफट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यस. फर्स्ट पोलर बॉडी, यस, फर्स्ट पोलर बॉडी भी तो हैप्लॉइड होती है. एंड ओवम, पहले ऑप्शन में ही हमको अपना सही आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछा है सीधा सीधा. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी. अब इसका अगर फॉर्मूला देखो, इसको ब्रेक डाउन करोगे, सो दिस विल इंक्लूड आरवी, है ना, और ये क्या इंक्लूड करेगा, ईआरवी, टोटल वॉल्यूम एंड आईआरवी, है ना. तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट, ऑप्शन नंबर सी. फाइन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद डिक्रीज कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कब होगा, ऑप्शन आर, कार्डिक आउटपुट है क्या वैसे, टोटल ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 5 लीटर. नाउ ऑप्शन आर, पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, हाँ जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं तो कार्डिक आउटपुट ऑफकोर्स रिलेटिवली लो होगा. नीमोटैक्सिक सेंटर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 इनसाइड ऑफ द ब्लड. एड्रिनल मेड्यूला हॉर्मोन्स भी ये काम नहीं करेंगे. सिंपैथेटिक नर्वस तो बढ़ा देगा उसको, राइट, यहाँ पर पूछा है डिक्रीज, ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी कार्डिक आउटपुट को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीटेड बाय. ये भी देखो, सीधा सीधा आंसर आपसे पूछ लिया. ये जितने भी सेल, हेपेटिक इज लिवर सेल, चीफ सेल भी स्टमक में पाए जाएंगे, गोबलेट सेल भी वहीं पाए जाएंगे. सो ऑक्सेंटिक जो सेल्स होते हैं एक्चुअली विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर काम करते हैं. फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस RH इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है, जहां पर मदर जो है वो नेगेटिव होती है और फीटस पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव का मतलब ये कि इसके पास एंटीजन है. एंटीजन अगर पहुंचेगा यहाँ पे तो ऑफकोर्स मदर की बॉडी क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेगी अगेंस्ट दिस एंटीजन, राइट. सो सेकेंड चाइल्ड जो होगा उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो जाएगा. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रीटेड बाय मेमरी ग्लैंड. ये तो कल ही डिस्कस किया,
ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज. अब देखो इसमें क्या है, इन्फेंट की जो बॉडी है वो खुद काम नहीं कर रही, इट इज टेकिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड मतलब मदर के मिल्क से ले रही, तो ये कैसी होगी, ऑफ कोर्स पैसिव टाइप होगा. पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी. एक्टिव कब बोलते, जब खुद से एंटीबॉडीज बन रही होती. एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब बोलेंगे जब एक्सपोजर के बाद एंटीबॉडीज बनी है ना. ऑटो इम्यूनिटी जो पहले से ही हमारे पास है. फाइन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा. एनिलिडा कौन है पहले तो थोड़ा सा याद कर लो, है ना. ऑप्शंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल. ऑप्शन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटन बॉडीज एसिनोमेट. सो एनिलिड्स के पास फ्लैटन बॉडी नहीं होती, वो प्लैटी हेलमिंथीस का फीचर है. डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मराइन रेडियल सिमेट्रिकल. एनिलिड्स कभी भी रेडियल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं. इट इज फॉर निडेरिया एंड टीनोफोरास. ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल. एनिलिड्स के पास एक्चुअली सेगमेंटेड बॉडी होती है, है ना. मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, है ना. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए वेल सेगमेंटेड बॉडी. वेल सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है. मेटामरिक सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है. तो करेक्ट आंसर ये हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉर्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर. ऑप्शन आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ये तो बिल्कुल यहीं से इन्होंने आंसर दे दिया. ये पूछ रहे हैं पॉजिटिव, देखो दो पार्ट होंगे पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी पॉस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, और पॉस्टीरियर पिट्यूटरी को हम इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस. यहां से क्या रिलीज होता है, यस ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. और आगे वाली एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारी लिस्ट ऑफ हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, है ना. LH हो गया, FSH हो गया, उसके अलावा प्रोलैक्टिन हो गया, है ना. ये सारे बहुत सारी लंबी लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना. ये देखो फॉलिकल स्टिमुलेट, ये सब ये सारे प्रोलैक्टिन वगैरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये सारे कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से. ये जो कॉम्बिनेशन है वैसोप्रेसिन, इसको ADH भी बोलते हैं, लिख लो ADH, एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन. ये सारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन बी यूज एज कॉन्ट्रोसेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किस फॉर्म में दोनों यूज हो सकते हैं, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है. इंजेक्शन ओनली नहीं, ये पिल्स में भी दिया जा सकता है. पिल्स इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. ये नीचे लिखा है पिल्स ओनली, इम्प्लांट्स ओनली नहीं, ये सब टाइप में दिया जा सकता है, सब टाइप के कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. व्हाई. कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में डिफरेंस ये है कि कॉर्डेट्स में हम यूरो कॉर्डेट्स को अगर लेते हैं जस्ट एक एग्जाम्पल, तो इनके साथ क्या होता है, इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसअपियर हो जाती है. वाइल इन वर्टिब्रेट्स ये जो नोटोकॉर्ड रहती है परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ. फाइन, इतना ईजी और बहुत सिंपल सी चीज है. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट्स. राइट, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो है रिप्लेस हो जा रही. नोटोकॉर्ड कहाँ रिप्लेस होगी, बाकी जो टाइप के कॉर्डेट्स है वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाएगा, जो कि नोटोकॉर्ड ही है लेकिन उसके आसपास बोनी हार्ट जो है बोन्स एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम है जो स्पाइनल कॉर्ड को बीच में से प्रोटेक्ट करेंगे. फाइन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम रॉड्स एंड कोन्स. ब्लाइंड स्पॉट्स फोबिया आयरिस, इसको मैच करना है. अब देखो आयरिस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर. कोन्स आर डेंसली पैक्ड. फोटो रिसेप्टर सेल्स विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई. तो ये तो पक्की बात हो गई कि डी और फोर तो मैच है ही. अब ये देखो डी और फोर मैच है आपस में. फोविया क्या होता है एग्जैक्टली, फोविया के अंदर कोन्स जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं इस रीजन में. तो ढूंढ लो सी और टू का कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये रहा नीचे दिख रहा है ना. उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर. और रॉड्स एंड कोन्स क्या है, इनका तो नाम चलता है फोटो रिसेप्टर्स की वजह से. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. गाउट ऑस्टियोपोरोसिस किडनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. और सामने इनके बारे में दिया हुआ है. गाउट क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन नो. लो कैल्शियम आयंस इन द ब्लड नो. एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यस. ए का थ्री, ढूंढ लो ए का थ्री, ये रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर सीधा सीधा. फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट इनकरेक्टली मैच पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. न्यूरॉन्स नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू, ऑस्टियोसाइट बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, इनकरेक्टली पेयर लिखा है. कॉन्ड्रोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद कार्टिलेज.
नॉट विद द स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स. मायोफिब्रिल्स दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, करेक्ट आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑफ कोर्स एल्वियोलाई, है ना. बाकी जितने भी तुम देखोगे उसमें कहीं पर भी इसका एसोसिएशन नहीं है. सो प्राइमरी साइट इज दिस. सो डी और वन कहां कहां पर कंबाइंड है ये रहा, है ना. अब देखो कार्बोनिक अनहाइड्रेस, चलो ये नहीं पता होगा, हो सकता है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किससे एसोसिएटेड है? ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे बनेगा? तो हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इसी बारे में तो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और कार्बन के साथ क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना. तो ये दोनों का आपस में एसोसिएशन है. तो ए और थ्री का कॉम्बिनेशन देख लो, ये रहा ए और थ्री का कॉम्बिनेशन, ये रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर. अब बाकी भी अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो, ए नहीं सॉरी बी का थ्री होगा, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा, एक मिनट, बी का थ्री, है ना, बी का थ्री. बी और थ्री आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो गए आपके क्रॉस चेक. न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं प्रेजेंट कहां पर? ये जो एरिया होंगे ये बताएंगे कि CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ गया है हमारी बॉडी के अंदर. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं पॉन्स मेड्यूला रीजन के पास में, राइट. सो ए और टू का भी कॉम्बिनेशन देख लो, ये रहा तुम्हारा आंसर, मिल गया, फाइन. चल नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी हार्मोन, एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल. अब पिट्यूटरी हार्मोन यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं? स्टेरॉइड्स, न्यूरोपेप्टाइड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, बायोजेनिक अमाइंस. अब पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में, अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स, ये तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है. अब यहाँ पर देख लो डी और वन कहाँ पर एसोसिएटेड है, ये रहा तुम्हारा आंसर, है ना, डायरेक्टली कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स में होंगे, है ना. याद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये हो गया तुम्हारा सीधा सीधा आंसर, फाइन. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहो तो देख लो, एंडोर्फिन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? न्यूरो, दीज आर न्यूरोपेप्टाइड्स, ये जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब ये रिलीज होते हैं. सो सी का टू, है ना, ये तुम्हारा क्रॉस चेक करते जा रहे हो, सी का टू ऑप्शन है. कॉर्टिसोल के बारे में 100% श्योर हो तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, फाइन. एपिनेफ्रिन जो होगा, एपिनेफ्रिन क्या है? दीज आर बायोजेनिक अमाइंस. एंड पिट्यूटरी हार्मोन क्या है? पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर. आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन द प्लैनेट? इसका आंसर है 500 मिलियन. ये भी एज इट इज सीधा सीधा क्वेश्चन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, सीधी सीधी लाइन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग. स्पूलिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं? जब हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हो गया, सारे डीएनए सेपरेट हो गए, तब हम क्या करेंगे? इसके जो कलेक्शन इसका जो कलेक्शन करेंगे, इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं. सो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए इज टर्म्ड एज स्पूलिंग. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम में हो सकता है इसके चांसेस हैं आने के. द लॉ एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज, ऑप्शंस आर बायोएथिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट. सो ये क्या हो रहा है? अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज. जब बायो रिसोर्स वर्ड आ गया, इतना बड़ा आपको हिंट मिल गया, तो ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड टू बायोपायरेसी. बायोपेटेंट के अंदर जो भी हमने डिस्कवरी की है उसको अपने नाम पे करवाने को पेटेंट, है ना, पेटेंट करवाना बोलेंगे. कि हमने ये डिस्कवरी की, हमारे नाम की है, हमारा नाम हो जाए उसमें, ठीक है. आपने देखा होगा लोग अगर पेंटिंग वगैरह करते हैं जैसे, तो यहाँ पर छोटा सा अपना नाम लिख देते हैं कि हमारी चीज है, हमारी प्रॉपर्टी, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एंजियोटेंसिन 2 इज पावर वैसोडायलेटर. इट इज वैसोकंस्ट्रिक्टर एक्चुअली, सॉरी इट इज अ वैसोडायलेटर. काउंटर करेंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वैसोरेक्टा. रिडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? हाँ तो ये वैसो, दिस इज वैसोकंस्ट्रिक्टर. एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा. काउंटर करेंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वैसोरेक्टा. काउंटर करेंट तो दो ही चीजों से बनता है, हेनलीज लूप और वैसोरेक्टा, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए. रिडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्टिवेट्स जे जी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन. यस एक्चुअली दिस हैपेंस राइट. जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, है ना. ये कैसे पता चलेगा? जैसे ही कम होता जाएगा तो हमारी बॉडी सिग्नल सेंड करेगी टू द ब्रेन कि आप जल्दी से एंटी डायोरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करवा दो, ताकि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट हो पाए. सो द करेक्ट आंसर इज दिस.
राइट, ये राइट अवे आपको मिल गया आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फोर गट इन करेक्ट सीक्वेंस. माउथ, क्रॉप, फैरिंग्स, ईसोफेगस, गिजर्ड. माउथ, गिजर्ड, क्रॉप, फैरिंग्स, ईसोफेगस. माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. इनके पास वेल डेवलप्ड फैरिंग्स होगा, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड. फाइन, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जेवियन 1891, नाउ एक्सटिंक्ट, हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 cc. 900 cc, ये हम लोग बहुत जल्दी इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर है स्कोर करने के लिए. 900 cc, एक ही आप देखेंगे कि एक ही टाइप के जो फॉसिल्स हैं उनमें पाया गया था, दैट इज होमो इरेक्टस. राइट अवे सोचने की भी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास. अब बाकियों का देखेंगे तो रिलेटिवली काफी लेस, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा लेस है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग From a point and spreading to another habitat. एक point से अलग अलग जगह पर जाके ये अपना नया नया खाना ढूंढ रहे हैं, और because of all these things and the environmental issues, उनके जो पूरे कह सकते हो features वगैरह हैं वो change हो गए, and because of that new species का formation हो रहा है ना. तो इस concept को क्या क्या बोलते हैं? Yes, adaptive radiation. Very very simple question. Next, RNA interference is used for which of the following purpose in the field of biotechnology? Yaad karo, RNA interference. RNAi ka sabse achha example hai tobacco plant. Tobacco plants mein kya hua tha? Ek microorganism, iska naam likh lo. Incognita. इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है विद दिस. फाइन, टू डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ निमेटोड. निमेटोड का नाम क्या था? प्लांट कौन सा था? टोबैको प्लांट. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार अलग अलग फॉर्म में ये पूछा जा भी चुका है. सो करेक्ट आंसर इज राइट अवे ऑप्शन नंबर ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. ऑप्शंस आर ग्लाइसिन इज एग्जांपल ऑफ लिपिड. ग्लाइसिन एक्चुअली अमीनो एसिड है. ग्लाइसिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड्स, राइट? तो आई थिंक बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए. पॉलीमरेज एंजाइम चेन इलोंगेशन का काम करता है, तो ये ज्वाइन नहीं करेगा चीजों को. ज्वाइन करने का काम किसका होता है? यूजुअली लाइगेज का होता है ना. ज्वाइन करने का काम लाइगेज का होगा. पॉलीमरेज हमेशा चेन इलोंगेशन करवाएगा. फाइन, which of the following STDs are not curable? Options are clindamycin, chlamydiasis, syphilis, genital warts. HIV, gonorrhea, trichomoniasis. Gonorrhea, trichomoniasis, hepatitis B, genital herpes, hepatitis B, HIV infection. ये तीनों diseases incurable हैं अभी तक. Hepatitis के vaccines लगते हैं, पहले लग सकते हैं, but after exposure it's very difficult to cure this. सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थोड़े दिन तक बढ़ाई जा सकती है, बट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा. फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर. कुछ याद आ रहा है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट एवर पूछ रहे हैं, कौन सा है? यस, हिंट 2, राइट? दिस इज द राइट आंसर. टू सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी हार्मोन एपिनेफ्रिन एंडोर्फिन कॉर्टिसोल. अब पीछे एंडोर्फिन का अभी हमने देखा था, है ना? चलो फिर से देख लेते हैं. पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पिट्यूटरी हार्मोन पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, 3NA 3NA. देन स्टेरॉइड्स, फिर से कॉर्टिसोल्स, है ना? कौन कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे हैं. तो डी और 1, ये रहा करेक्ट आंसर. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स सिक्रेट गैस्ट्रिक, यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड हो सकता है. 10 pairs एनल क्रिसियाई. अब देखो 10 pairs है ना, 10 pairs, इसमें क्या क्या चीजें दी हैं समझ लेते हैं. ग्राइंडिंग ऑफ फूड कहाँ होती है, राइट? ये चीजें होती हैं प्रो वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकल साइड में, है ना? देन
ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख लो कौन सा आपस में अटैच है, ए और थ्री साथ में पेयर्ड है इसी ऑप्शन में, ठीक है। देन सिक्रेट गैस्ट्रिक, कौन सा सेल्स, हिपैटिक सीएक रीजन, राइट, बी और वन आपस में अटैच्ड, मैच है एक दूसरे से। देन टेन पेयर किस चीज के, स्पाइरिकल्स के, है ना, एंड एनल ट्रीज जो प्रेजेंट होती है वो टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ये इन्होंने एक स्पेसिफिक फाइलम के बारे में डिस्क्राइब किया है, आपका एक छोटा सा होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिए कि किस स्पेसिफिक फाइलम के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। चलिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय एम्ब्रियोलॉजिकल, है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल जो चीजें बताई थी, देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी आप ऑलरेडी जानते हैं, अर्नस्ट हेकल के बारे में भी जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बहुत सारा, और यहाँ पे लिख लो मेमेलियन ओव्यूल के बारे में, मेमेलियन ओवम के बारे में, ओव्यूल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन दिए थे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी प्लेसेंटा कॉर्पस लूटियम लेडिक सेल्स, ह्यूमन कोर आयनिक गोनाडोट्रोफिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टॉन एंड्रोजन प्रोजेस्टॉन ओनली, लेडिक सेल्स डायरेक्टली एसोसिएटेड एंड्रोजन से, डी और थ्री कहां पर मैच है देख लो, ये रहा, है ना, दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज पीछे वाला देख लो, सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट देख लो, एक बार काफी क्लियर हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है सही आंसर पे पहुंच पाना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग एट द एंड ऑफ 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व, ऑप्शन आर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, हेड इज कवर्ड विद फाइन हेयर, मूवमेंट ऑफ फीटस, आईलिड्स एंड आईलैशेस। सो यहाँ पर 12th फर्स्ट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर मेजर जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो बन जाते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेगमेंट, हमने इतनी जल्दी विद इन एन आवर सारे के सारे 90 क्वेश्चंस कर दिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर विद इन एन आवर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आई एम प्रिटी श्योर थोड़ी सी अगर आप और प्रैक्टिस करें तो आप नीट के एग्जाम में भी कम टाइम में बायो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास इनफ टाइम होगा टू सॉल्व फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो यूजुअली छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एंजाइटी हो रही है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से बायोलॉजी अच्छे से कर लीजिए, जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके पास इनफ टाइम हो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बायो में जो हमने इतनी मेहनत से इतने सारे नंबर कमाए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ उसकी वजह से माइनस नहीं होने चाहिए, माइनस मार्किंग है नीट के एग्जाम में, और कटेंगे कहाँ से, ये नंबर कहाँ से कटेंगे जो आपने बायो में इतनी मेहनत करके इतने सारे नंबर लिए हैं, राइट। तो ये होने नहीं देना है आपको। सो ये चीजें आपकी आज के सेगमेंट में फिनिश होती हैं, एक प्रैक्टिस होगी, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही एमसीक्यूज लेकर आए आपके लिए ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस में स्पेंड कीजिए, 2 to 5 रोज मॉक टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं ऐप के ऊपर, आप डाउनलोड करके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज जब आपकी हैबिट बन जाएगी 2 to 5 में प्रैक्टिस करने की तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, मिलते हैं कल विद सम अनदर चैप्टर, फिर से क्विक नोट्स बनाएंगे, फिर से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं कल, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।